मेरे बच्चे हिम्मत रखो, बहादुरी दिखाना, बहादुरी बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला रीबू को अम्मी कहने वाला आ रहा है, आने वाला है इंशाल्लाह ताला। गोदी भरी आई है, गोदी भर के जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नानी, अरे ताबा दुरुशीफ पढ़ रहे हैं। चलो थोड़ी सी हंसी तो आई इसके चेहरे पे, जब से आई रोई रही यहाँ पर है। आज का दिन जो है वो हमारे जाकिर के नाम है, जाकिर का बर्थडे है आज। बच्चा पापा बन गया, बच्चा जान के खैर जल्ला की जान, चाचा की जान है ना, सबकी जान है, पूरे घर की जान। तो गाइस यहाँ पर कोरमा बनने की तैयारी हो रही है, मम्मी कोरमा बना रही है। आज कोई व्लॉग बनाने वाला नहीं था, मेरा जाकिर आ गया। आज मेरा बर्थडे भी है, इसलिए मम्मी ने कोरमा बनाया मेरे लिए। आज तो मेरी मर्जी की चीज बनेगी सारी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसमें सब डाल दिया, अब इसको भूनेंगे इसको अच्छे से। ये रही प्याज, ये आप देख सकते हैं, ये रहा दही और ये प्याज, और ये बन रही है। क्या बनाया मम्मी? दही और प्याज पीस लिया, दही और प्याज पीस लिया उन्होंने। और गाइस ये लस्सी बन चुकी है, और यहाँ पर अम्मी बेसन बेसन भेट रही हूँ मैं। यहाँ पर ज्यादा हम लोग पकौड़ी नहीं खाते, तो उसने बहुत कम बेसन भेट रही हूँ मैं। बच्चे कह रहे हैं आज खाने से रोजा खोलेंगे, तो खाना भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्याज काट लिए मैंने, अभी मिर्ची भी सही करूंगी, भरूंगी इसमें मिर्च भरी हुई है। और ये पापा सेब लेके आए, बाहर से बाहर गए थे, अभी आए हैं तो सेब लेके आए, सेब बहुत अच्छे हैं। अब मैं अंडे की तो बनाओ यार, अंडे की भी बना थी, वालू अंडे बताओ। अच्छा वालना पड़ेगा अंडे वाले, अरे दो बल जाएंगे, कितने लगी वालू जी बताओ, बेसन दो वालू दो। तो गाइस मम्मी ने मेरे कहने से अंडे की पकौड़ी भी बना रही है, अंडे वाले भी। हाँ। क्योंकि मैं बनाती हूँ तो अल्लाह रखे जाकिर में होता है कभी कभी अमान नहीं होता। हाँ। चलो आज बना लेते। ये देखो वाह क्या बात है, देख का कोरमा लग रहा है। चलो इसको फ्रिज में दे देते हैं, हाँ से फ्रिज में तो ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने आज नमाज पढ़ ली है, और यहाँ पर अम्मी मिर्च की पकौड़ी बना रही है। मेरा हैदर भी खाता ना ये मिर्च, तो अम्मी कटाई भर रही है इसमें। तो गाइस यहाँ अम्मी केले काट रही हैं चाट के लिए। अम्मी अभी तो ज़्यादा मत डालना, केले केले ज़्यादा खा जाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन जो है वो हमारे जाकिर के नाम है, जाकिर का बर्थडे है आज। तो आज के दिन का जाकिर हमारा माशाल्लाह बादशाह है। आज मेरा बच्चा हुआ था, तो जो जाकिर कहेगा वही होगा। तो यहाँ पपीता काट रही मम्मी, आज फिर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो आज सारी चीज़ दिखाऊंगा। ये जाकिर ही करता है मेरा बच्चा, ये व्लॉग बनाने का पूरा सही से काम भी करता है, प्रॉपर तरीके से दिखाता है, वो जाकिर ही दिखाता है मेरा माशाल्लाह। और गाइस फाइनली चाट में पपीता डाल दिया है, ये देखो मेरा टैलेंट, दोनों हाथों से नहीं पूरी छोड़ लेती हूं। और ये डाल रही है चाट में चीनी, और यहाँ पर चाट का मसाला भी डाल दिया है, अंडे छीलती हूँ फिर मीठे। और गाइस यहाँ पर कचरी बन चुके हैं, और अभी अंडे की पकौड़ी बना रही है मम्मी। अभी खाना बना के खाओ, मल्टी टास्किंग है खाने से नहीं देगा, देगा तो सरप्राइज। मैं मम्मी सिंपल आज। हाँ, सेम। क्या हंसी नहीं तक आ गए अभी खाना बना रही थी। हाँ। तो खाने से वो देखा तो मसाला चाट भी बन गई, लस्सी भी बन गई। और यहाँ पर बस बनने वाली है मिर्च के अंडे, और भाई तोड़ेंगे इसमें डाल दिया दूध की डाली। हाँ। अभी आवे लस्सी, ये देखो गाढ़ा दही, देखो इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है, अल्लाह के करम से। A few moments later. तो गाइस ये लग चुका है, और अब रोजा खोलते हैं, सब बैठ चुके हैं यहाँ पर। आमिर मामा भी आज आप भी आ जाओ, मम्मी मम्मी और हम लोग चलो रोजा खोलते हैं। आ जाओ आ जाओ, आ जाओ चलो रोजा खोलते हैं, रोजा खोल के मिलते हैं।
तो गाइस ये एयरबड्स मंगवाए थे मैंने और ये एयरबड्स आ गए और अब इसको खोल के देखते हैं। अलग अलग सील होती है ना, खुल गई। एयरबड्स प्रो मेरा सेकंड जनरेशन मंगवाई मैंने और ये चाचा ने गिफ्ट करी मुझे। हम इसे कनेक्ट करके देखते हैं एक बार ना, इसके साथ सामान निकला। अच्छा ये चार्जर निकला, ये चार्जर केबल आ गई इसकी। Two hours later. तो इसके अरिबा के फिर से पेन आ रहा है अरिबा को, तो लेके चलती हूँ हॉस्पिटल। इसके पर्चे निकाल लिए और बाकी कपड़े भी ले लिए बच्चे के, अल्लाह रखे। दुआ करना आप सब लोग, मेरा फोन कहाँ है, जो भी लोग बने वो बोले। तो गाइस रिबू को लेके हम यहाँ पर आए हैं ग्रोवर हॉस्पिटल में, मम्मी पापा अंदर हैं, रिबू को लेके गए हैं और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं अदनान। हम लोग दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक सब सब ठीक हो, तो हम बाहर वेट कर रहे हैं, बाकी मम्मी पापा अंदर गए हैं, अभी आते हैं तो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आप देख सकते हैं रिबू को यहाँ पर एडमिट कर लिया, उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया यहाँ पर। और ये रहा मान, हाँ भाई पापा जी, अल्लाह जानो की खैर करे, परवरदिगार अल्लाह हिफाजत करे, सब दुआ करो अल्लाह मेरी बच्ची के हक में सब ठीक करे और मेरे बच्चे के हक में अल्लाह जिंदगी सलामती के साथ। ये भी परेशान हो रही है, ये भी पढ़ पढ़ के फूक रही है, मैं भी पढ़ पढ़ के फूक रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर लोग जितने भी हैं वो सब दर्द रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दर्द हम रोक भी नहीं सकते ज़्यादा। उन्होंने बोला है दर्द रुकेंगे तो खुद से रुकेंगे, अगर नहीं रुकेंगे तो देखते हैं, डिलीवरी करवानी पड़ेगी इसकी रिबू की। तो आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला सब कुछ ठीक ठाक हो मेरे पाक परवरदिगार के सदक़े में। ये हार्ट बीट बच्चे की चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है भाई जान की, दादी की आन बन छान की, दादी की आन बन छाने। रिबू को मेरी बात पे हंसी आ गई है। रोज़े के बाद से हम लोग यहीं पर ही हैं, रोज़ा खुलने के बाद सीधे यहीं पर आ गए थे और जब से अब तक यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट ही चल रहा है। अल्लाह सलामत रखे, साथ तरह से अल्लाह ताला जीने जागने को दे जिंदगी सलामती के साथ। बहुत ज़्यादा टेंशन हूँ मैं, मेरी जुबान में लफ्ज़ नहीं है, मैं कैसे बताऊँ कि मैं कितनी टेंशन में हूँ, ये बस मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी करी और आप लोगों को हमेशा मैंने सब कुछ दिखाया है। बस आप लोग मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सब मेरे हक में बेहतर करें, मेरे पास परवरदिगार के सबके में। और पूरी रात हो गई, हम लोगों ने एक मिनट को भी सोए नहीं है हम लोग। रिबू को ये भी बुरा लग रहा है, जो इसकी सेफ्टी की नहीं है ना, कि उससे भी रस रही है वो। चलो थोड़ी सी हंसी तो आई इसके चेहरे पे, जब से आई है रोई रही है यहाँ पर है। ये बहादुर है, लेकिन अल्लाह की मेरी बच्ची ऐसी बात नहीं है, हिम्मत वाली है, अल्लाह ही करम से। और गाइस भाभी हॉस्पिटल में है तो सबका ध्यान वही लगा हुआ है, रुझ भाई भी दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से। हो गया दिखावा। नमाज पढ़ के सीधा यहीं पर आ गया मेरा बच्चा, सबका दिल यहीं पड़ा हुआ है, घर वाले भी सारे जाग रहे हैं, सब जाग रहे हैं ना, सब पढ़, पापा भी जाग रहे हैं, सब जाग रहे हैं, सब दुआ कर रहे हैं रिबू भी नहीं। गोदी भरी आई है, गोदी भर के जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जितने आए ठीक होके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आंटी की नाइट की ड्यूटी थी और अब हो गई सुबह, अब मॉर्निंग हो गई तो आंटी जा रही है। हाँ बेटा अल्लाह अल्लाह ने माँ का रुतबा ऐसा बनाया, मेरा बच्चा दर्द में भी हंस रही है, ये सोच के कि अल्लाह रखे बच्चा आके अल्लाह रखे ईद करेगा हमारा, सब तरह जिंदगी सलामती के साथ। तो आप सब लोग दुआ करें, उसको ऑपरेशन बता दिया है तो देखते हैं, उसके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। क्या कहूँ मैं, इस टाइम फिर मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, मेरी बच्ची का ऑपरेशन बोल दिया करने के लिए। तो रिबू को कपड़े पहना दिए गए हैं और आप देख सकते हैं मेरी बच्ची कितनी बहादुर है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब लोग कमेंट में तारीफ लिखना मेरी बच्ची की, ठीक है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला रिबू को अम्मी कहने वाला आ रहा है, आने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो बस ये खुशी कैसी है रिबू, कैसा लग रहा है बेटा? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने बोल दिया कि 12 बजे तक करेंगे इसका ऑपरेशन। साथ खैर से आओ दोनों माँ बेटे या माँ बेटी जो भी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये आ गया अमान और उर्ज आ गए दोनों भाई, अल्लाह जानो की खैर करे मेरे बच्चों की सबकी। बस अब लेके जा रहे हैं भाभी को, ठीक है। तो ये आ गए, ये आप देख सकते हैं, मैंने आज जान ध्यान से जान, ध्यान से पप्पू मैया सब आ गए। बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह पाक
हम सबको खुश कर दे मेरे मालिक, ज़िंदगी सलामती के साथ अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे हम सब लोगों को, अल्लाह साथ खैर से सब कुछ ठीक हो, सब कुछ ठीक ठाक हो। हाँ हाँ अच्छा अच्छा तो ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों को क्लीन करने के लिए, और ये सब सामान आ गया है, चलो भेजते हैं इसको। तो गाइज मैं फिर से आ चुका हूँ हॉस्पिटल, रात में चला गया था सहरी करने के लिए, मम्मी रात भर यहाँ पर रुकी, मम्मी ने कहा तू चले जा घर पे सहरी कर ले, तो आप लोग दुआ करिएगा सात खेत से हो हमारे घर में मुन्ना जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो सात खेत से हो, बस हम लोग बहुत टेंशन में पड़े हुए हैं रात से, क्योंकि मैं डॉक्टर रात में बोल के चले गए थे कि सुबह ऑपरेशन करेंगे आगे, तो अभी टाइम 11:30 बजे सुबह के, सब अंदर सब आए हुए हैं, दिखाता हूँ ये बाबा बैठे हुए अभी रिव्यू यहाँ पर है, यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाएंगे अभी सब इकट्ठे होकर। अब जाके भाई का और बेबी की बर्थडे में एक दिन का गैप होगा सिर्फ, इनका 8 तारीख को है और बेबी का 9 तारीख को। भाभी कल हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी तो इस चक्कर में इनका क्यों नहीं कर पाया। तो यहाँ पे सब इंतजार देख रहे हैं बैठे हुए सब, बेसब्री से इंतजार हो रही है और दुआएं भी हो रही हैं साथ बराबर से, अब्बा जान पापा जान डैडी जान और ये देखो यहाँ सब बैठे हुए, और ये आ गया जाकिर भी आप देख सकते हैं। हाँ भाई ताए अब्बा बड़े पापा अल्लाह रखे जान के खैर अल्लाह करे मेरे बच्चों की सबकी जानों की खैर, अल्लाह मेरे बच्चे अपने माँ बाप के सारे मुख्य जिंदगी सलाम जान, और आ गए भैया दिल्ली माना नानी भी खुशी खुशी टेंस लेके आ रही है, पापा दुरुस्त भी पढ़ रहे हैं। बेबी का सामान है सब सारा, नानी अरे ऊपर जा रहे हैं सब, अल्लाह शेर से अच्छा बना के बैठा दे मेरे बच्चे हिम्मत रखो बहादुरी दिखाना बहादुरी सलामत आओ अल्लाह रोते नहीं अल्लाह को भी बुरा लगता है हस्ती भी जाओ हस्ती अल्लाह सब अच्छा करेगा। अभी 5 मिनट बाद खुशखबरी की आवाज आती थी मत करो चिंता इतना सब ठीक होगा टेंशन ना लो ये
ठीक है तुम ठीक है ठीक है अल्लाह का सर चाचा की जान है ना सबकी जान है पूरे घर की जान आन बन छान आ गई है हैदर की नहीं यही लफ्ज लेकिन अब इसके नहीं हो गए लफ्ज माशाल्लाह माशा खुश हो रहे माशाल्लाह इसकी भी आंखों में आंसू देखो अच्छा A few moments later तो गाइस यहां पर मिठाई खिलाई जा रही है अब मेरी मिठाई खा ली और ऊंच का तो रोजा भी चलेगा अमान का भी रोजा है मैंने रोजा नहीं रखा था मैं भी खाऊंगा भाई है नहीं मैंने खा लिया हाँ तो भाई हम लोग बाहर बैठे हुए हैं अभी सब लोग अंदर हैं ये दान बैठा हुआ मेरा भाई और हमने मुँह उठा भी करा मामा ने भी खाया और इसका तो रोज़ा है अदान का तो रोज़ा मेरे भाई का रोज़ा खुलने के बाद खाया गए और आमिर मामा मेरा रोज़ा नहीं है दिखाते हैं आप लोग बाय